मैं कैसे मानूं कि ये चुनाव मेरे पक्ष में है, मैं कैसे मानूं कि ये मेरे सब लोग हार गए, मैं कैसे मानूं कि मेरी जनता हार गई है। यू ही नहीं छलका दर्द, ये भावुकता है। मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं कितनी लड़ाई लड़ूं। विश्वास सा कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी, लेकिन विश्वास टूट गया, विश्वास रूठ गया। ये कह रहे हैं कि काजल जी को तो वोट मिले ही नहीं है, भाजपा के लोगों को जो 1,80,000 वोट मिल गया, अब ये है, एक काम करिए, आप लोग जाइए अपने घर। यकीन को यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भी होगा। हर बार ऐसा ही करते हैं, मैंने कहा बैठी हूँ यहाँ, बैठी रहूँगी सारी महिलाओं के साथ, मैंने कहा भी बात करूँ। काजल निषाद का दर्द छलक रहा है, झलक रहा है, सब देख रहे हैं। यकीन ना काजल को है कि वो हार गई, यकीन ना सपाइयों को है, भाजपा उम्मीदवार से उनकी काजल हार गई। मैंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है, मेरे ही हस्बैंड को खींच कर बाहर ले गए हैं पुलिस प्रशासन, मेरे ही हस्बैंड को लेकर जाएंगे और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। क्या आप कोर्ट के शरण में भी जाऊंगी? बिल्कुल काजल ने धूप में पसीना बहाया था, काजल के साथ सफाइयों ने भी कदम ताल मिलाया था, न छांव देखी, न धूप की परवाह की, न तपती जमीन पर चलने से परहेज किया, जितनी मेहनत करनी थी उससे कहीं ज्यादा मेहनत की। कड़ी धूप में हम चल रहे थे बिना खाए पिए, ठीक से मैं उनको चाय भी नहीं देती थी, लगातार चल रही थी जनता मेरे साथ, लगातार चल रही थी, मैं कैसे मानूं कि ये चुनाव मेरे पक्ष में है, मैं कैसे मानूं कि ये मेरे सब लोग हार गए, मैं कैसे मानूं कि मेरी जनता हार गई है। मैं पहले से कह रही थी ये जनता का चुनाव है, मैं पहले से कह रही थी कि निषाद समाज के मान प्रतिष्ठा का चुनाव है, मेरे समाज ने भर के वोट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे गोरखपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं कैसे मान लूं कि निष्पक्ष चुनाव है, मैं कैसे मान लूं पारदर्शिता हो रही है। इतना सेंसिटिव मामला है तो क्या इनका कंप्यूटर अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है? ये सरकार जैसे रोड अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं, ये सर सामान भी जो है अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं, मुझे मान्य नहीं है। मैं कह रही हूँ कि दोबारा रिकाउंटिंग हो, जो भी आया होगा, पहले बूथ में कितना पड़ा, दूसरे वार्ड में कितना पड़ा, दिखाएगा ना, पहले जो दिखाएगा वही दिखाएगा, अगर पारदर्शिता वाला है तो बताएं मुझे, दोबारा रिकाउंटिंग हो, नहीं होगी तो मैं सच बता रही हूँ भाई, मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं कितनी लड़ाई लड़ूं। लेकिन अब जो गोरखपुर नगर निगम के मेयर पद का नतीजा आया तो दिल रुआंसा सा हो गया, तो देख सफाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भैया 3,62,000 वोट पड़ा है तो कैसे बोल रहे हैं कि 5,00,000 वोट पड़ा है, जब पहले कह रहे हैं कि काजल निषाद को 1,19,000 फिर कह रहे हैं 1,61,000 फिर कह रहे हैं 1,28,000, अब सीधा कह रहे हैं नहीं 1,19,000 और उनको मिल गया 1,80,000। अरे मैं पूरा समाज तार में गली गली घूमी हूँ जनता के साथ, बदतमीजी कर रहे हैं, अरे भाई तो जो जेन्युइन नहीं है करिए उसकी लाइसेंस ला अल्लाह करे प्रशासन से लेके आप लोग ठीक है ना? हां हां ठीक है। काजल निषाद अड़ी, अपनी बात पर डटी हैं, विश्वास नहीं हो रहा, वो हार गईं, उनका निषाद समाज हार गया, विश्वास कार्यकर्ताओं को भी नहीं हो रहा, इसलिए लड़े हैं, भिड़े हैं, काजल से शासन प्रशासन से अड़े हैं।
अब देखने वाली बात है काजल निषाद के संघर्ष का क्या परिणाम मिलता है। लड़ाई जारी है। मैं कैसे मानूं कि ये चुनाव मेरे पक्ष में है? मैं कैसे मानूं कि ये मेरे सब लोग हार गए हैं? मैं कैसे मानूं कि मेरी जनता हार गई है? मैं पहले से कह रही थी ये जनता का चुनाव है। मैं पहले से कह रही थी कि निषाद समाज के मान प्रतिष्ठा का चुनाव है। मेरे समाज ने भर के वोट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे गोरखपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं कैसे मान लूं कि निष्पक्ष चुनाव है? मैं कैसे मान लूं पारदर्शिता हो रही है?